हेलो एवरीवन, मैं उमा अमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम नील संद्रा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मस्तान साहब, जो नील संद्रा में सोशल वर्कर हैं, और जनाब नयाज पाशा साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मुबारक हो, आपको भी स्वागत है। मस्तान साहब, आवाम को बताइए कि आज मिलाद उन नबी के मौके पर आप उनको किस तरह से विश करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सारी कौम को, सारी हमारे देश की कौम को मैं और हमारे साथियों की तरफ से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ साथ ये कहता हूं कि अल्लाह ताला हर एक को हर तरफ से, हर तरीके से खुशियां दे और खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बनाए। और इसके ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मैडम कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। आप कितने सालों से लगातार ये ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं नील संद्रा में? ये तकरीबन 30-35 साल से ज़्यादा हो चुका है अरसा। हम लोग हर में हमेशा ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन इस साल जो है बहुत कम हो गया। वजह सिर्फ इसकी ये है कि बरसात, ये बरसात की वजह से हमारा एक प्रोसेशन भी था यहाँ से, बगैर डीजे के ऐसा कुछ प्रोग्राम बना चुके थे, लेकिन बरसात की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। बहरहाल फिर भी जो है, जो लोग तैयारी किए थे वो तैयारी के साथ निकल रहे हैं। बाजार स्ट्रीट से निकलेंगे इंशाल्लाह, हज़रत बाबा में आरिफुल्ला शाह काजी की मज़ार तक जाएंगे, वहाँ रोक देंगे। और बाकी जाने वाले जो है, जो जहाँ पर ईद मिलादुन नबी बड़ी तादाद में मनाया जा रहा है, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी, वहाँ जाके सब शामिल होंगे और वो बयान शिरकत करके अपनी बात हौसला अफजाई फरमाएंगे। तो पूरी कमेटी की जानिब से, मिलादुन नबी जो मना रहे हैं उनकी जानिब से, हमारे शहर के बुजुर्गों की जानिब से, सब लोग मना किए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इधर भी जो है अपने जगह के ऊपर कैसेट चला रहे हैं, यानी कि यूपीएस पिन डाल के पेन ड्राइव में से कुछ किरात और नाच चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो पिछले साल हुआ था। पिछले साल जो बहुत बेहतरीन होता था, गाड़ियों के साथ डीजे होता था, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे, लेकिन इस साल जो है टोटली उसको रोक दिया गया है। तकसीम किए हैं, लड्डू तकसीम किए हैं, खाना पेट भर के खिलाया गया। और यहाँ पे नील संद्रा में जो है ये निशान चढ़ाने का काम सुबह से चालू है, और मैं समझता हूँ ये हमारा आखिरी वक्त जो असर के बाद किए, असर तक आखिरी वक्त है। असर के बाद जैसे हुआ 5:30-6 घंटे हो गए, मगरिब के करीब करीब रोक दिए, बस निशान चढ़ाए, सब कुछ हुआ। और हमारा प्रोग्राम ये था कि हमारे MLA जनिया हारिस साहब आकर ये निशान चढ़ाए, बरसात की वजह से वो भी आ नहीं सके। जो खाने का इंतज़ाम किए थे वो पैकेट बनाकर बहुत सारे मजलूमों को, गरीबों को, यतीमों को और हॉस्पिटलों के पास जो बीमार हैं, जो काबिल हैसियत नहीं है, उन लोगों को भी तकसीम किया गया हमारी मोहल्ले की जानिब से। और बेहतरीन, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे नौजवान आगे बढ़े हैं इस काम में। जो पिछले साल हुआ था उसको रोक के, वो पैसा जो DJ में उसमें खर्च होता था, वही पैसा आज इधर जो है शिरनी में, लड्डू में और खाने पर लगाए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नौजवानों का, शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज अहमद साहब, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो आप आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर आवाम को क्या कहना चाहते हैं? सबसे तो पहले आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन है, और सारे उम्मत मुस्लिमा को हमारे तरफ से ईद मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम को और पूरी दुनिया की आवाम को हमारे नील संद्रा की जानिब से हमें आज मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी की पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो नमाज़ों की पाबंदी की जाएगी, नमाज पढ़ेंगे, जितना हो सके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में हम दरूद पाक पढ़ेंगे, उनकी रज़ामंदी के लिए गरीबों में खाना तस्लीम करेंगे, हमारे हैसियत के मुताबिक जो हो सकता है उनके याद में आज हम दिन बनाकर गरीबों का, गौर गरीब का भला करेंगे। और आज का बहुत बड़ा दिन है, तारीखी दिन है, इस दिन के इंतज़ार में साल गुजारते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन भी आज अल्लाह ताला हमना देखने के लिए मौका मिला है। आइंदा भी अल्लाह है इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो आइंदा साल भी रब्बुल अव्वल बराबर रब्बुल अव्वल हमना देखना नसीब होगा। मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बेंगलुरु।